my channel, so I'm back with another video after 28 days, जिसके लिए I'm really sorry. लेकिन क्या करें, बहुत मसरूफ़ था. मतलब मसरूफ़ नहीं था, था मसरूफ़, छोटी छोटी मसरूफियाँ आती थी, लेकिन उसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था शूट अ वीडियो. लेकिन आई एम बैक नाउ और अब मैं नहीं जाने वाला, मैं रेगुलर रहूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. खैर, आज की वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू रिव्यू एनी बुक, बल्कि आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द बुक्स आई बॉट रिसेंटली. अच्छा, तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहली बुक जो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस इज द वन जिससे मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी. मतलब मुझे लगा था ये सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि आजकल मुझे थोड़ा स्पीचेस और डिबेट्स का शौक हो गया. तो इस वजह से आई बॉट द वर्ल्ड्स 100 ग्रेटेस्ट स्पीचेस, जिसमें से मुझे लगा था बहुत अच्छी होगी. यार, एक तो इतनी लाइट है तेज, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. मतलब अच्छी नहीं, कुछ अजीब सी बुक है. मेरा दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का. मैंने सच बताऊँ तो मैंने शायद पढ़ी भी नहीं है. शुरू के 2-3 पेजेस पढ़े, उसके बाद मैंने बोला नहीं, मेरे बस की नहीं है. इसमें एक पाकिस्तान से सिर्फ एक ही स्पीच है अल्लामा इकबाल की, बाकी और बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस हैं, बट काफ़ी ज़्यादा इंडियन लीडर्स की हैं, जैसे नेहरू और भी बहुत सारी हैं. लेकिन एक जो है ना, हमारी पाकिस्तान से सिर्फ अल्लामा इकबाल की सिर्फ एक ही स्पीच है, और बाकी मेरा दिल नहीं चाह रहा बस ये पढ़ने का. थोड़ी अजीब सी बुक है, आई डोंट नो. तो ये लेना फजूल गया, मैंने फजूल में ले ली थी. मैंने उस वक्त ली थी बड़े शौक से, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का. खैर, उसके बाद जो दूसरी बुक है वो है कौन सी दिखा, अच्छा, द एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल. इनकी जो है ना, इसमें शर्लॉक होम्स के बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें से इसमें सिर्फ 8 केसेस हैं. 8 केसेस की अलग अलग स्टोरीज हैं. तो ये बहुत अच्छी बुक है. मैंने कभी पढ़े नहीं थे पहले शर्लॉक होम्स के कोई भी केस, लेकिन दिस वन इज़ गुड. तो अगर किसी को खरीदनी है तो यू कैन बाय दिस, ये अच्छी है. इसके बाद एक और जो मैंने खरीदी है वो है अली बाबा बाय डंकन क्लार्क. मैं ऐसी बुक्स रिव्यू नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसी बुक्स पसंद बहुत हैं जो फिक्शन ना हो किसी, और थोड़ी ना, आई डोंट नो, मुझे बस वो वाली बुक्स पसंद है जिसमें बात हो रही हो इकोनॉमी की, मनी की, बिजनेस की. आई लव रीडिंग बुक्स लाइक दिस. लेकिन लोग क्योंकि नहीं पढ़ते हैं तो मैं रिव्यू नहीं करता हूँ. जो मेरे पास नॉवेल्स वगैरह होते हैं या फिर कोई दूसरी स्टोरीज होती हैं वो मैं रिव्यू कर देता हूँ. बट आई लव दिस बुक, ये भी बहुत अच्छी है. अच्छा, एक और है, वो है दोज़ुकनामा बाय रवि शंकर पाल. ये है, मैंने इसको भी पूरा नहीं पढ़ा, मैंने बस थोड़ा सा पढ़ा था, मुझे टाइम नहीं मिला बुक पढ़ने का. ये है एक कॉन्वर्सेशन बिटवीन सादत हसन मंटू एंड मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब. असल में सादत हसन मंटू की एक कोई बुक मिली है रविशंकर बाल को, जो इनको पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि ये सादत हसन मंटू की है या नहीं. लेकिन उसमें देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मंटू एंड गालिब दे बोथ आर इन देयर ग्रेव्स, और ये कब्रिस्तान में बात कर रहे हैं. तो ये उस पर है, ठीक है. तो पता नहीं कैसी है, बस इतना पता है कि ये उस पर पूरी पढ़ी नहीं है ये भी. उसके बाद एक है द कंपाउंड इफेक्ट बाय डेविन हार्डी. ये बुक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की. एक तो मतलब सिर्फ ये पैसों वगैरह के लिए नहीं है कि इट विल हेल्प यू बिकम रिच. ये कोई भी आप काम करते हो, कोई भी काम, इसको किस तरह बेहतर तरीके से कर सकते हैं, किस तरह कंपाउंड इफेक्ट उस पर अप्लाई होता है, ये उस पर बहुत अच्छी बुक है. आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग 3 से 4 बुक्स ऐसी और गिफ्टिंग इट टू पीपल आई रियली केयर अबाउट, क्योंकि बहुत अच्छी है, ये पढ़नी चाहिए सबको. ये बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी, ठीक है. इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी मोस्ट फेवरेट, मेरी ये भी ख़त्म नहीं है, ये चल रही है, ख़त्म होने वाली है, मी बिफोर यू बाय जोजो मोइस. अच्छा, इस बुक का ये है सीन के ये बस ऐसी ना 5 बुक्स खरीदनी थी, ऑनलाइन ऑर्डर की थी, 5 बुक्स खरीदनी थी, 4 खरीद ली थी, 5वीं समझ नहीं आ रही थी, और 5वीं मुझे बस ना ये देखी, मैंने बोला यार ले लेता हूँ.
क्योंकि ना क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, अब ये बुक मैंने पढ़नी शुरू करी है और मेरे दिमाग में हर वक्त चल रहा होता है इसमें क्या हो रहा है। जब मेरे पास क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता अगर पढ़ने का ना, तो फिर मैं यही सोच रहा होता हूँ यार किसी तरह टाइम मिल जाए, मैं एक दो पेज और पढ़ लूँ, आगे पता लग जाए क्या होगा। बहुत 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 अच्छी बुक है। मुझे ना मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ, बंदी नहीं हूँ जो ना मूवीज देख के रोने लग जाए या फिर कोई सैड स्टोरी सुन के रोने लग जाए। मुझे रुलाने के लिए ना चाहिए, दम चाहिए। तो ना इस बुक ने ना थोड़े थोड़े से चैप्टर्स वो वाले हैं जो मुझे आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन यार दिल इतना अजीब बुरा होता है कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये तो पढ़नी ही चाहिए लाजमी। तो अभी तो मैंने कोई कंप्लीट की नहीं है बुक्स, इनमें से की है, दो की हैं, लेकिन वो मैं रिव्यू नहीं करूँगा क्योंकि वो वही है कंपाउंड इफेक्ट और अलीबाबा, और मैंने बताया वो मैं ऐसी बुक्स रिव्यू करता नहीं हूँ। लेकिन मेरे पास अगर ये मी बिफोर यू अगर कंप्लीट हो गई ना इंशाल्लाह, तो मैं इसका रिव्यू तो ज़रूर बनाना है मैंने, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। बाकी भी अच्छी हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आई नो आई डोंट डिजर्व दिस, और थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुक्रिया अदा कैसे करूँ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज़ एंड लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।